तो मेरे भाई आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। बनारस की सारी चीज़ों को लगभग कवर कर लिया हूँ। लास्ट चीज़ जो बनारस की सबसे ज़्यादा फेमस है, बनारस की साड़ी, उसको अभी कवर नहीं किया था। अभी मैं कैंट से उतरा हूँ, गोदलिया चौक के तरफ चल रहा हूँ। वहाँ पे साड़ियों का बाजार है, पता चला है अपने को, तो वहाँ पे चलते हैं, साड़ियों का रेट पता करते हैं, सारी चीज़ों को दिखाता हूँ। उस गली के बारे में बहुत कुछ अपने को पता चला है। तो सबसे पहले बनारस की साड़ी को एक्सप्लोर कराना मुझे गली में आ गया हूँ। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं जो साड़ियों की है, जैसे कि इधर आप लोग आने यहाँ पे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये भी दुकानें इधर देख रहे हैं, कुंज गली के पास है ये। और बाकी का ये एक साड़ी की दुकान दिखी है, इनसे बात करते हैं क्या है साड़ियों का रेट और बनारसी साड़ी का क्या है क्वालिटी। तो भैया कैसे हो आप लोग? हम लोग बहुत अच्छे हैं सर। अच्छे हैं ये सर। बनारसी साड़ी अपने को टोटल बनारसी हम लोग बेचते हैं। टोटल बनारसी हर वैरायटी है। अच्छा, यहाँ कॉटन की मिलेगी आपको, सिल्क की मिलेगी। अच्छा, और साटन सिल्क मिलेगी, प्योर सिल्क मिलेगी। क्या रेट है सर? रेट हम लोग का 600-700 से शुरू होता है मिनिमम रेट। मिनिमम रेट? अच्छा, मैक्सिमम कितने तक जाता है सर? मैक्सिमम आपकी तो कोई इसकी सीमा नहीं है, 1-1.5 लाख तक की भी साड़ी। अच्छा सर, मगर मेरे यहाँ 15-20 हज़ार तक की आपको साड़ी मिल जाएगी 600-700। गुड। तो सर ये जो आप 600 रुपए की साड़ी बता रहे हो, ये बनारस के बाहर कितने तक में होगी सर? बनारस के बाहर तो आपको कम से कम ये सब साड़ियाँ मिल जाएंगी 1200-1300, मतलब दुगने में। हाँ, दुगने में मिलेगी। ओके सर, तो कुछ साड़ियाँ आप दिखा दीजिए। हाँ, मैं दिखा दूँ जो बनारस की साड़ी है। जैसे ये साड़ी है, ये कॉटन की साड़ी है। कॉटन की साड़ी पूरा एकदम पूरा ऑल ओवर वर्क है। अच्छा, ऑल ओवर बूटी है। हाँ, और ये आंचल होगा। इसकी भी लंबाई सेम होती है नॉर्मल साड़ी की तरह, है ना? मिलेगी आपको। अच्छा, 5.5 मीटर साड़ी होती है। अच्छा, और 80 से 90 से ये कॉटन है, प्योर है ना? ये प्योर कॉटन है। अच्छा, इसकी कीमत क्या है सर? ये सर 750 रुपये। 750 रुपये की। अच्छा, ये बनारस की साड़ी आप लोग देख रहे हैं। वाकई में बनारस की साड़ी बहुत गजब है यार, पूरा कॉटन दिख रहा है ये अपने को। और इसकी मार्केट प्राइस अभी ये 750 रुपये बता रहे हैं। बाकी का बनारस के बाहर अगर साड़ियाँ हैं, इसके अंदर भी साड़ियों का सेल है, जहाँ पे भी देखिए। और इनके पास बहुत कम रेट में साड़ी है, जितना कम से कम बोलें बहुत कम रेट में साड़ी है। तमाम प्रकार की चीज़ें हैं इनके पास। ये देखिए, जैसे इनकी दुकान ये और ये सारी चीज़ें हैं, जैसा कि भैया अभी कह रहे हैं कि अभी आपने नई मार्केट देखी ही नहीं। अच्छा, मेन मार्केट नहीं देखी। अच्छा, ये सारी चीज़। अच्छा, और ये देखिए, ये जो बाज़ार मैंने आपको दिखाया है, ये बाज़ार का ये जाने का रास्ता है, पूरा ये जाने का रास्ता है। और ये पूरा इधर देख रहे हैं, ये कैंट स्टडी ने देखा साड़ी की मार्केट, यहाँ पे कितनी कम मात्रा में कितनी अच्छी क्वालिटी की साड़ी मिल रही है। कुंज गली के पास आया था मैं, यहाँ पे लगभग सारी साड़ी की वीडियो कैसी लगी बनारस की? अगर साड़ी की वीडियो अच्छी लगी हो तो बताइएगा। बाकी का बहुत तेज भूख लग चुकी है मेरे भाई, अब खाते हैं समोसा, खाते हैं, और समोसा खाने के बाद फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। साड़ी दिखाई, उसकी क्वालिटी बहुत बेस्ट थी। अगर आप कभी भी आते हैं तो बनारस में उस दुकान पर विजिट करिएगा, उनकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है। बाकी का मैं अभी अपने शहर मिर्ज़ापुर में आ चुका हूँ, मिर्ज़ापुर में आ गया हूँ भाई, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। और बाकी का अभी थोड़ा बहुत फल वगैरह लेते हैं। तो मेरे भाई फल ले लिया मैंने, थोड़ा सब्जी भी ले लिया है, और अब चलते हैं घर की तरफ। तो मेरे भाई आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर जवाब दीजिएगा, और नेक्स्ट ट्रिप कहाँ पे रखना है वो भी बताइएगा। अभी मैं मिर्ज़ापुर आ गया हूँ, कल का देखते हैं कहाँ चलना है।